मैं आज नरेंद्र मोदी को भी यही कहता हूँ, कभी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में चुनाव नहीं जीता जाता है। ना नरसिम्हा राव जीते, ना वाजपेयी इंडिया शाइनिंग में जीते, ना मोरारजी दामों को कम कर दिया पर जीते। ये दुनिया में भावना से लोगों का जब भावना जगती है। सर ये तो फिर वही जो क्रिटिक्स हैं, हाँ, उनकी बात आपने कह दी, हाँ, कि गवर्नेंस से, परफॉर्मेंस से, वादों की डिलीवरी से चुनाव नहीं जीता जाता। जी, इमोशन और भावना से चुनाव जीता जाता है। हाँ, तो ये कह करके जिस सरकार के बारे में आप थोड़ी सी समालोचना, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हैं, उस सरकार को आप लाइसेंस दे रहे हैं कि काम वाम मत करो, हिंदुत्व पर फोकस करो, चुनाव जीतना जरूरी है। सर ये तो पावर के पीछे भागने वाली बात है। नहीं नहीं, देखो पावर तो चुनाव किसके लिए है? पावर नहीं है। हम आश्रम में जाने के लिए अनुमति मांग रहे हैं क्या? हमें तो पावर से ही ज्यादा काम हो सकता है, गलत नियत की काम नहीं है भावना भड़काना। हिंदू का जो प्रभुसत्ता है और जो अस्मिता है उसको हम उजालाना चाहिए, उसको उज्जवल करना चाहिए था। आज तक क्या राजनीति हुई 70 साल में? हिंदू को जात में बांटो, प्रांत में बांटो, भाषा में बांटो, हाँ, और वर्ण में बांटो, और हिंदू को टुकड़ा टुकड़ा करके अल्पमत जो है माइनॉरिटीज उनको इकट्ठा करो और उनका 15-16% क्रिश्चियन मुस्लिम ये सब जोड़कर प्लस शेड्यूल कास्ट को, यहाँ बैकवर्ड कास्ट को इस प्रकार से जोड़कर कैंडिडेट इसी प्रकार से चुनकर आप अपनी मेजॉरिटी बनाओ, ये चलते आया। बीजेपी ने 2014 में पहली बार, और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इसके लिए बधाई दूंगा, वो इस राय के शुरू से थे, हम लोग मानते नहीं थे, हम माने जनसंघ में भी नहीं मानते थे। वाजपेयी तो बिल्कुल उसको ठुकरा दिया था 2014 में और इसीलिए हार भी गए। ये नई स्ट्रेटजी बनी कि इनका उल्टा करें, हम हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए हम हिंदुओं की ऐसी बात लेकर सामने रखें कि वो इकट्ठे हो जाएं, बंट ना जाएं। मुसलमानों में महिलाओं को अलग कर दो, ट्रिपल तलाक देकर ये करके, बोरा सिया इन सबको भी अलग कर दो, और ये सुन्नी जो है और खासतौर वो वहाबी सुन्नी है उसको अलग कर दो, तो फिर हम जीतेंगे। उस फार्मूला में हमें मेजॉरिटी मिली। ये गवर्नेंस वावर्नेंस ये सब कहने की बात है, उस पर नहीं जीते। दो ही बात पर 90% जीत हुई। हाँ, नरेंद्र मोदी की प्रतिमा जरूरत थी, वो मिल गई, और नरेंद्र मोदी के को घुमाया देश भर में, उसे एक विश्वास हो गया, गुजरात में कर दिया तो यहाँ भी कर देंगे।